गुड मॉर्निंग दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस में हम बेसिक जो रूल हैं इसके वो पढ़ेंगे। मैं कोई ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूँ। जो स्ट्रक्चर है, जो स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो तो चलो आप सबको पता ही है, लेकिन जो मेन रूल हैं जो हमारे एग्जाम में हम यूज़ करते हैं या फिर एग्जाम में क्वेश्चन वैसे बनते हैं, ये तरुण ग्रोवर सर के नोट्स हैं। मैंने पहले बनाए थे, सोचा इन्हीं से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो बस मैं कम टाइम में, मेरा ये वीडियो डालने का मतलब यही है कि कम टाइम में ये जो रूल हैं ये डल जाएं और हेल्प हो जाए थोड़ी सी। तो ज़्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता ही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस में वॉज, वर्ब प्लस में ING, ठीक है। प्रजेंट में क्या था भाई, इज, MR एंड ING, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूअस टेंस था। प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने देखा, अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद सबसे पहला रूल है एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, भाई जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू है उनको दिखाने के लिए, ठीक है, हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे, ठीक है, वो चीज़ें। द, अब यहाँ पे वी, आपको ये सब मैं आगे चलो बता देता हूँ। द बॉयज़ वर प्लेइंग हॉकी, ठीक है, बॉयज़ वर प्लेइंग हॉकी। बॉयज़ क्या है, हॉकी खेल रहे थे, ठीक है। वी वर प्लेइंग, सी वॉज स्टडिंग इन हर रूम। तो इन सब टेंस में, इसमें सब में क्या दिखा रहा है कि पास्ट में ये वो काम कर रहे थे, पास्ट में ये चीजें हो रही थी, मतलब कंटिन्यूटी में थी, ठीक है। ये कोई बता रहा है, मतलब पास्ट की चीजें बताई जा रही हैं। अब आई, ही, सी, इट के साथ वॉज, यू, वी, दे के साथ वर, जो स्कूल टाइम से हम पढ़ते आए हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है कि पैरेलल एक्शन है जो कंटिन्यू है इन पास्ट, उसके केस में कैसे होगा सेंटेंस। देखो, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग, ये तो थर्ड रूल का एग्जांपल दे दिया मैंने, बट चलो मैं यहाँ पे इसका ही बता देता हूँ। ये शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन के लिए, शॉर्ट एक्शन में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे और जो लॉन्ग एक्शन होगा उसमें कंटिन्यू। अब जैसे कि व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग, ये सो तो क्या कर रहा है, काफ़ी टाइम से सो रहा होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग एक्शन और ये हमारा हो गया शॉर्ट एक्शन कि उसने बीच में बोला, ठीक है, कॉल किया, उसको बोला, उसको बुलाया। ये हो गया हमारा लॉन्ग एक्शन, ये हमारा शॉर्ट एक्शन, क्योंकि उसने बीच में एकदम बोला, ठीक है, कॉल किया, उसको उसको जगा दिया। ये है पैरेलल एक्शन में। पैरेलल एक्शन में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे देखो, व्हाई आई वॉज डूइंग माई वर्क, माई वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड। तो यहाँ पे हैड बीन की जगह वॉज आ जाएगा, वॉज और कंटिन्यू मतलब कुकिंग हो जाएगा। तो ये सेंटेंस है हमारा सही। अब यहां पे रूल ये है कि जब भी दो एक्शन पैरेलल हो तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में यूज करेंगे। व्हाइल आई वॉज, यही कि आपको सेंटेंस की सेंस समझनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप शॉर्ट एक्शन रूल डायरेक्ट अप्लाई करो, सेंस भी देखो ना भाई। व्हेन आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना जब काम कर रहा था तो मेरी वाइफ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो ये दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। ऊपर वाले में जो रूल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये शॉर्ट और लॉन्ग एक्शन क्या है। आपके सामने ये एग्जांपल है, व्हेन आई रीच माय होम माय मदर वाज प्रिपेयरिंग टी। अब यहाँ पे शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन का एक एग्जाम्पल है, ये मैंने मिक्स कर दिए हैं, लेकिन कोई नहीं, आप समझ लो, रूल है ये थर्ड नंबर, आप समझ जाना। यहाँ पे लॉन्ग एक्शन क्या है कि मेरी माता क्या चाय बना रही थी, ठीक है, जब वो कहाँ पे, घर पे पहुंचा। तो ये हमारा शॉर्ट एक्शन है। शॉर्ट एक्शन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और लॉन्ग एक्शन में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद है व्हाइल सी वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। अब यहाँ पे दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं कि भाई सी वॉज डांसिंग और साथ साथ में मैं क्या गाना भी गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग व्हाइल सी वॉज डांसिंग। तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई गलत नहीं है इसमें। 5 ईयर अगो फ्रॉम टूडे आई एम सीटिंग इन ए स्मॉल जैपनीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड बर्लिन। अब देखो यहाँ पे 5 ईयर अगो, पहली बात तो ये पास्ट की बात हो गई है, और एम तो भैया प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रखा है यहाँ पे, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज सीटिंग इन ए स्मॉल जैपनीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड बर्लिन। उसके बाद है ये एग्जाम्पल, व्हेन सी वॉज क्रॉसिंग द रोड ए स्पीडिंग कार डैश्ड हर। अब यहाँ पे जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूज हो रहा है लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन, कैसे कि भाई व्हेन सी वॉज क्रॉसिंग द रोड, ये सही है बिल्कुल सेंटेंस, कोई गलत नहीं है इसमें। व्हेन सी वॉज क्रॉसिंग द रोड, भाई वो तो आ रही है ना ऐसे ऐसे, और एकदम कोई कार आके
उसको ठोक देती है, ठीक है। तो शॉर्ट एक्शन कौन सा हुआ, एकदम जो कार आई वही ना, एकदम जो शॉर्ट, और ये तो क्या रोड पे चल रही थी भाई, कंटिन्यू चल ही रही थी, ये लॉन्ग एक्शन हो गया। अब आ जाओ लॉन्ग एक्शन जो रूल है, थर्ड नंबर, ये सेंटेंस सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। रूल थर्ड नंबर ये है कि लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन के केस में जब शॉर्ट एक्शन होगा कि एकदम कोई चीज हो रही है, सेंस देखी जाएगी सेंटेंस में, तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं कि आपको बताया जाएगा सेंटेंस में, तो आप पहचान लोगे आराम से कि हाँ यहाँ पे ये चीज हो रही है, एक कंडीशन की, व्हेन, व्हाइल, वो चीजें। और लॉन्ग एक्शन ऐसा होता है कि भाई कोई काम कंटिन्यू हो रहा है पास्ट में और उसके साथ में कोई शॉर्ट एक्शन, मतलब कुछ उसके साथ में और हो गया, तो वो हमारी चीजें यहाँ पे हैं इस रूल में। तो ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा फिरा के भी दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फादर केम। अब यहाँ पे देखो, आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये क्या, बंदा टीवी तो देख रहा था कंटिन्यू भाई, आधे घंटे से एक घंटे से देख रहा था, लेकिन एकदम इनके फादर आ गए, तो ये तो बिल्कुल सही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। और यहाँ पे व्हेन कंडीशन वाला शब्द और एकदम, ठीक है, ये वर्ड एक वही चीज दिखाते हैं, एकदम, और जब माय फादर केम, तो उसके फादर एकदम आ गए, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। आपको मेरे ख्याल में ये समझ में आया होगा, दो तीन एग्जाम्पल और हैं वो देख लेते हैं। When the driver arrived, he was reading the newspaper. क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। When the driver arrived, second form, he was reading the newspaper. वो newspaper तो भाई पहले से पढ़ रहा था, 10-15-20 मिनट पहले से, और फिर एकदम क्या, ड्राइवर साहब आ गए, पहुँच गए, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। He found the gold coin as he was cleaning the floor. अब भैया फ्लोर तो ये काफ़ी टाइम से क्लीन कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या ये सेकंड फॉर्म आएगी ना, है ना, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही वॉज क्लीनिंग द फ्लोर। तो इस सेंटेंस में हमारा ये लॉन्ग एक्शन हो गया, वो फर्श साफ कर रहा था, फिर उसको क्या मिला, ये गोल्ड कॉइन मिला, ये सेकंड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग एक्शन है, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें भी, अब यहाँ पे व्हेन और व्हाइल तो है नहीं लेकिन एज है, तो आपको ऐसे भी सेंटेंस में देखना है, ये रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, सेंटेंस में देखना है सेंस क्या बन रही है। अब जैसे ये है सेंटेंस, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन ए क्यू व्हेन द फिल्म वाज बिगनिंग। अब आप देखो इसमें भाई क्या है, सेंस देखो, डायरेक्ट रूल अप्लाई मत करो सेंटेंस को देख के। व्हेन वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन ए क्यू, भैया वो लाइन में लगे हुए थे काफी टाइम से, फिल्म की उसको क्या लेनी थी भाई, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन वो लाइन से क्या है, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, या तो उनको टिकट नहीं मिली होगी, ठीक है, या लाइन लंबी होगी, तो वो खड़े थे काफ़ी टाइम से, ये हमारा हो गया लॉन्ग एक्शन। और शॉर्ट एक्शन क्या हुआ, व्हेन द फिल्म वाज बिगनिंग। अब यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए बिगन, ये वाज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिख रखी है, तो ये हमारा गलत यहाँ पे आ जाएगी, सेकंड फॉर्म बिगन। तो आपको ऐसे सेंटेंस देखने हैं, केली वाज हरीड टू द स्टेशन व्हेन सी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। अब आप देखो यहाँ पे, केली वाज हरिंग टू द स्टेशन, ठीक है, वो जल्दी में थी स्टेशन पे पहुँचने के लिए, व्हेन सी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। अब भैया ट्रक तो एकदम ही मारेगा, स्लो मोशन में थोड़ी ना मारेगा, ठीक है, तो शॉर्ट एक्शन तो हमारा यही होगा, ये बिल्कुल ठीक है, डैश सेकेंड फॉर्म लगा रखे। यहाँ पे क्या आएगा, वॉज हरिड की जगह क्या आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा रूल, बाकी अगर ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तरुण ग्रोवर सर का चैनल है, वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, बड़ा सही पढ़ाते हैं। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। अब भैया इस सेंटेंस को देखो आप, मैंने तो चलो ये लिख रखे हैं, आपको डायरेक्ट देख जाएंगे, लेकिन सेंस देखो, कौन सा सेंटेंस लॉन्ग है, नहीं कौन सा एक्शन लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला, भैया वो जब अम्ब्रेला ओपन कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं, वो बिल्कुल स्लो मोशन में कर रहे थे भाई, 2-3 मिनट लग गए होंगे, वो अटक गया होगा, ठीक है। व्हेन हर स्पेक्टल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फॉल डाउन, और उसके क्या, चश्मे एकदम झटके से भाई स्लिप होके नीचे गिर गए।
तो नीचे गिरे वो तो एकदम एक्शन हुआ ना, वो जब अम्ब्रेला कर रहा था वो तो लॉन्ग टाइम से 1 या 2 या 3 मिनट से कर रहा था, लेकिन जो चश्मे गिरे वो एकदम गिरे, तो शॉर्ट एक्शन हमारा ये है। तो फेल डाउन सेकंड फॉर्म ठीक है, यहाँ पे क्या मार्टिन वुड की जगह वो हो जाएगा और अटैम्प्ट की जगह अटैम्प्टिंग आ जाएगा। अब ये एक्शन देखो, या ये सेंटेंस देखो आप, व्हेन द पुलिस हैड कम ही ना सॉरी वी हैड बीन इंजॉइंग द पार्टी। अब पुलिस तो एकदम आएगी, स्लो मोशन में थोड़ी ना आएगी कि पहले आ रही है, नहीं ना ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टी तो चल रही थी 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या भाई पूरे दिन या दोपहर से, तो उसमें तो हमारा क्या आएगा, वी वर, बीन की जगह बीन हट जाएगा, हेड हट जाएगा, वर आ जाएगा, इंजॉइंग आएगा। ठीक है जी, ऊपर वाले में आ जाओ, व्हेन द पुलिस हैड केम की जगह क्या आएगा, कम, सॉरी कम की जगह आएगा केम, सेकेंड फॉर्म। तो आपको ये रूल होप समझ में आया होगा, ये रूल ठीक है, डायरेक्ट आपको मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन में हम ये रूल अप्लाई करेंगे, बन रहे हैं क्वेश्चन या नहीं बनते हैं ठीक है, और ना समझ में आए तो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।